तपोवन स्थित जोरावर स्टेडियम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों में वर्तमान में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही पुराने पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया तो आगामी लोकसभा चुनावों में कर्मचारी सभी चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे और उसी को वोट करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया, महासचिव भर शर्मा, जिला कांगड़ा अध्यक्ष राजेंद्र मिन्हास ने कहा कि जब सरकार अपने नुमाइंदों के लिए पेंशन स्कीम लागू कर सकती है तो प्रदेश के हजारों कर्मचारी जिन्होंने कई सालों तक सरकार के विभागों में अपनी सेवाएं कड़ी मेहनत व लगन के साथ की हैं, तो उनकी पेंशन बहाल क्यों नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि जहां लोग चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करते थे, इन लोकसभा चुनावों में प्रदेश के लोगों से नोटा के इस्तेमाल की बजाय कर्मचारी उम्मीदवारों को वोट डालने की अपील कर्मचारियों से की जाएगी ताकि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की ताकत का एहसास हो सके। उन्होंने कहा कि 10 मई 2003 को प्रदेश के कर्मचारियों की पेंशन सुविधा को कर सरकार ने कर्मचारियों के हित के साथ खिलवाड़ किया है और इसी का नतीजा है कि कर्मचारियों को अपनी पेंशन बहाली के लिए सरकार को घेरना पड़ रहा है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ एक नारा भी दिया, जो पुराने पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। कर्मचारी नेताओं का कहना था कि उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है और मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने का समय भी दिया है। ऐसा कि पूरे प्रदेश से यहाँ पे 10,000 कर्मचारी करीब 12-12.5 बजे तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही बैठे हुए हैं। अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल ना की तो हम उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेगी। अगर कांग्रेस या बीजेपी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, लोकसभा चार सीटें हैं, चारों लोकसभा सीट में हमारे एनपीएस कर्मचारी इलेक्शन लड़ेंगे और हम नोटा नहीं दवाएंगे, हम अपने कर्मचारियों को जिताएंगे और ये राजनीति कर रहे हैं तो कर्मचारी भी हमारे जो रिटायर हो गए हैं वो राजनीति करना जानते हैं और इनसे बेहतर राजनीति जानते हैं। इनको नाखून चने चबा देंगे आप 2019 इलेक्शन में। आज उन्होंने 2019 से पहले पुरानी पेंशन बहाल ना की। मुझे उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे और कुछ ना कुछ हमारे हक के लिए फैसला सुना के जाएंगे। आप वहाँ विधानसभा में मिलने भी जाएंगे? हम क्यों जाएं? इतने 10,000 के करीब लोग पूरे प्रदेश से आया, मुख्यमंत्री भी आना चाहिए। हम क्यों जाएं? आमंत्रण दिया उनको कि आइए, हमारी बात सुनिए और हमारी मांग के ऊपर बोल कीजिए। कितने कर्मचारी है आपके? देखिए, हमें उम्मीद है कर्मचारी 90,000 के करीब कर्मचारी है पूरे प्रदेश में। तो कितना वोट बनता है आपका? 9 लाख। तो 9 लाख वोट जो है वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली अगर हमारा एनपीएस रिटायर एम्प्लॉई खड़ा होगा तो उसको जाएगा, कांग्रेस बीजेपी थोड़ी जाएगा। आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रमा गुलेरिया ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मामला बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार इनकी इस मांग को नहीं मानती है तो आम आदमी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों में इस मुद्दे को बनाकर लोकसभा का चुनाव हिमाचल में लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने यही फैसला लिया है कि चारों लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और बाकी सेंट्रल लीडरशिप है, जब जैसे ही उनका फैसला आ जाता है तो इसकी सूचना सबको दे दी जाएगी। और आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं कर्मचारी संगठन को समर्थन देने के लिए आए हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कर्मचारी संगठन को अपना समर्थन देके तुरंत उसी दिन सत्र बुला के अपना ये फैसला दिया कि कर्मचारी संगठन को जो उनका अधिकार है वो देना चाहिए। 35-40 साल एक कर्मचारी किस देश या प्रदेश में हर एक विभाग में वो अपना पूरा जीवन बिता देता है, उसके बाद उसके साथ जो पेंशन का जो ये जो एनपीएस का इन्होंने लागू किया है वो इसके साथ उनके साथ एक घोर अन्याय है। तो हम चाहते हैं कि उनको ओपीएस जो वो लागू करना चाहते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि खासकर जब रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी होते हैं उनको जिस चीज की आवश्यकता होती है उस वक्त इन लोगों ने उनको एक तरह से उस अधिकार से वंचित कर दिया है। आज भी हम उसी समर्थन के लिए आए हैं और आने वाले समय में अगर ये सरकार इनकी हम सरकार से भी मांग करेंगे कि जिस प्रकार केजरीवाल जी ने फैसला लिया उसी प्रकार जयराम सरकार भी इस पर अमल करे और जल्द से जल्द करे, और अगर ये सरकार इस पर विचार करती है या किसी का इंतजार करती है कि वहां से सूचना मिलेगी तब ये फैसला करेंगे
तो आम आदमी पार्टी आने वाले चुनावों में इसको प्राथमिकता देगी, इस मुद्दे को।